अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे जमात दूसरी का सबक रियाजी का बातों बातों में हिस्सा। तो जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, हमें यहाँ पर बच्चों को यह क्या सिखाना है, हिसाब। हिसाब यानी क्या होता है? जमात, तफरीक, ज़रब, तकसीम। लेकिन कैसे? हमारे हमेशा की तरह से नहीं, हमको यहाँ पर बच्चों को बातों बातों में हिसाब सिखाना है। जैसे हम उनसे कोई मुकालमा पेश हो रहा हो या हमारी बातचीत हो रही हो, तो उसमें हम किस तरह से हिसाब सिखा सकते हैं, ये हमको इस सबक में बच्चों को बताना है। साथ ही साथ बच्चे रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं उनसे वो गिनती गिनना सीखेंगे। रोजमर्रा की चीजों में जो लेन देन होता है उसमें वो जमा, तफरीक, ज़रब करना सीखेंगे, ताकि बच्चे न सिर्फ रियाजी को समझिए पढ़ें, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसका इस्तेमाल भी करें। बच्चों को पता चले कि रियाजी जिंदगी में कितना ज्यादा अहम है, उसकी अहमियत से भी वो वाकिफ हो सके। और साथ ही साथ बच्चे यहाँ पर तवज्जा और सब्र, इस तरह के जो कदर होते हैं, उसको भी अपनी जिंदगी में अपना सके, ताकि जिस तरह एनईपी 2020 कहता है, बच्चों की तालीम के जरिए ना सिर्फ इल्मी या जहनी तरक्की हो, बल्कि उनकी समाजी तरक्की हो, उनकी जज्बाती तरक्की हो। बहरहाल यहाँ पर हम उनकी मजमूई तरक्की पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये सबक हमको बच्चों को बातों बातों में जैसे कहानी या मुकालमे के जरिए पेश करना है। तो हम यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पर सरगर्मियाँ लेंगे और बच्चों को ये सबक सिखाएंगे। बहुत ही दिलचस्प है, बच्चों को यहाँ पर हम कागज से अलग अलग अशिया भी बनाना सिखाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये सबक, जमात रियाजी, जमात दूसरी का रियाजी का सबक, बातों बातों में हिसाब। शुक्रिया।